यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। और इस वक्त बीजेपी से हमारे साथ डॉक्टर संजय शर्मा जी जुड़ चुके हैं। डॉक्टर संजय शर्मा जी, एनआईए का ये कहना है कि जो मस्जिद पलवल में मनाई जा रही है उसके लिए लश्कर ने डोनेशन दिया है, जिस पर कांग्रेस के नेता आफताब अहमद कह रहे हैं कि ये जानबूझकर इस तरह की कोशिश की जा रही है, इस मामले में बहुत गहराई से जांच हो, सरकार की जिम्मेदारी है, ये विशेष धर्म पर निशाना साधने की कोशिश है। देखिए, सरकार ना तो किसी धर्म को निशाना बनाने वाली है, ना जानबूझकर कुछ लोगों को लपेटने वाली है। ये सरकार सभी जितनी भी सुरक्षा एजेंसियां उनको खुलकर काम करने देने की परमिशन देती है, उनकी इजाजत देती है। अगर एनआईए कोई बात कह रहा है तो उस बात को सबको ये समझना चाहिए कि ये देश की सुरक्षा से और देश के भविष्य के साथ जुड़ा हुआ मसला है, इसको कोई राजनीतिक रंग ना दी जाए। देखिए, कोई भी धार्मिक स्थल हो, अगर उसमें टेरर फंडिंग का पैसा लगता है तो ये कोई भी व्यक्ति उसको कर रहा हो, उसमें धर्म को साथ जोड़कर थोड़े देखना चाहिए इन चीजों को। अगर कोई व्यक्ति इस तरह का काम कर रहा है तो जो हमारी सुरक्षा एजेंसी है उसको पूरी आजादी है कि हर चीज के हर पहलू से जांच की जाए और बिना जांच के किसी बेकसूर को ना फंसाया जाए। सरकार कोई किसी के ऊपर दबाव डालकर के या किसी जांच को किसी दिशा में मोड़ना नहीं चाहती, ना ये सरकार का उद्देश्य है, ना सरकार इस तरह के काम करती है। अच्छा, अब इस मामले में जिस तरह से जो स्थानीय लोग हैं, जो उस गांव के लोग हैं और मुस्लिम समाज के लोग हैं, कांग्रेस के नेता हैं, वो इस पर सवाल उठा रहे हैं, तो अब सरकार इस मामले में और क्या करेगी कि इसको और थोड़ा सा, क्योंकि ये एक बड़ी बात निकल कर सामने आई है और ये भी सही बात है कि देश की सुरक्षा के साथ किसी तरह से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, चाहे वो कोई भी धार्मिक स्थल हो, तो सरकार इस मामले में आगे किस तरह की कोशिशों को करने वाली है? देखिए, सरकार इसको पूरी तरह से निष्पक्षता से इसकी जांच होगी और निष्पक्षता से इसकी कार्रवाई चली जाएगी। कोई भी किसी धर्म का व्यक्ति अपने साथ इसको जोड़कर ना देखे, और अगर कोई जोड़ता है तो वो गलत है, क्योंकि जो आतंकवाद है उसको कोई धर्म नहीं होता है। आतंकवाद आतंकवाद होता है और आतंकवाद अपनी जड़ें फैलाने के लिए किसी भी स्थान का, किसी भी व्यक्ति का उपयोग कर सकता है। तो उसमें मुझे लगता है कि ये पूरे कोई मेव समुदाय के साथ या मेवात के लोगों को इसको अपने साथ नहीं जोड़ना चाहिए, बल्कि उसको अपने से अलग करना चाहिए। मेवात के लोग ये कह रहे हैं कि पूरे मेवात पर एक तरीके से हमला है, तरह की बात करना, इस तरह की बातों का सामना। देखिए, जो लोग इस तरह की बात कर रहे हैं वो देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, देश के भविष्य के साथ गद्दारी कर रहे हैं, देश के लोगों के साथ गद्दारी कर रहे हैं और खासकर एक समुदाय विशेष के लोगों के साथ गद्दारी कर रहे हैं। उनको इस तरह से किसी एक विषय को पूरे समाज के साथ जोड़ना, ये अपने आप में वो लोग राजनीति कर रहे हैं। सरकार किसी तरह से भी इन बातों को किसी धर्म से जोड़ करके नहीं देखती। आतंकवाद आतंकवाद है। आप बने रहे संजय शर्मा जी। कृष्णमूर्ति हुड्डा साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस से। कृष्णमूर्ति हुड्डा साहब, एनआईए की तरफ से कहा गया है कि पलवल में एक मस्जिद बन रही है हतीन में, तो उसमें लश्कर ने डोनेशन दिया है, इसको लेकर तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। जो मेवात के लोग हैं, उस इलाके के लोग, उनका कहना है कि ये बिल्कुल सरासर गलत है, ये जानबूझ के माहौल को खराब करने की कोशिश है। आफताब अहमद जो आपके साथी हैं, पूर्व मंत्री हरियाणा के, उनका कहना है कि विशेष धर्म पर निशाना साधने की कोशिश है और कुछ नहीं है, चुनाव नजदीक आ रहे हैं, इस तरह की बातें की जा रही हैं। देखिए, इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए जी, और गहन जांच होनी चाहिए। ये नहीं कि कोई एक एजेंसी कह दे, दूसरी एजेंसी से भी जांच करानी चाहिए जी, बगैर ऐसे ही किसी को कहे कि जी ये आतंकवादियों ने फंडिंग किया, तो बिल्कुल गलत है। अगर आतंकवादियों ने फंडिंग किया है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल जी। ऐसा है कि किसी भी आदमी को जी ऐसा है उसको ताक पे नहीं रहना चाहिए जी। अगर स्टेट की सुरक्षा खतरे में है ठीक, डॉक्टर संजय शर्मा जी, कि बहुत ही संवेदनशील मामला है, गंभीर मामला है, तो किसी एक एजेंसी नहीं बल्कि और भी इस मामले में आगे बढ़ाकर दूसरी एजेंसियों से भी इसकी जांच कराई जाए और तब इसका सारी चीजें निकल कर सामने आए इसी तरह की कि हाँ टेरर फंडिंग हुई है, तो फिर जो दोषी हैं उन पर कड़ी कार्रवाई हो। देखिए नासिर, मेरा निवेदन है आपके चैनल के माध्यम से सभी पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो कांग्रेस है, इनेलो है, और भी राष्ट्रीय पार्टी है, कि वो इस तरह के मामले, ऐसे संवेदनशीलता के मामले में कोई जल्दबाजी में बयान ना दे जी, क्योंकि क्या होता है कि जल्दबाजी में बयान दे करके और बाद में फिर उनको मुंह छुपाना भी मुश्किल हो जाता है। सरकार या जो एजेंसी है, आप एनआईए पे आप क्या किस तरह से क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं? एनआईए देश की रिप्यूटेड एक एजेंसी है जो कि दूध का दूध और पानी का पानी करने वाली बात है। अगर एनआईए से कोई बात स्पष्ट नहीं होगी तो सरकार और जांच करने से भी पीछे नहीं हटेगी।
लेकिन सरकार का ये दायित्व है कि देश की सुरक्षा के लिए, समाज की सुरक्षा के लिए सभी एजेंसियों को काम करने देना। अगर कोई इस तरह के अपराध में संलिप्त है, कोई भी जो दोषी है उसको बख्शा ना जाए और निर्दोष के खिलाफ कोई कार्यवाही ना की जाए। लेकिन क्या इसमें अब, क्योंकि जाहिर सी बात है कि एनआईए पर कोई सवाल उठाए, वो आपने कहा कि रेपुटेड एजेंसी है, उसकी जिम्मेदारी है जिसकी सुरक्षा के मामलों को लेकर, लेकिन जब सवाल उठ रहे हैं तो फिर सरकार ये कोशिश करेगी कि हाँ दूसरी और एजेंसी है अगर, क्योंकि ये बड़ा बहुत ही संवेदनशील मामला है। नहीं नहीं, सिर्फ देखिए ना, सिर्फ जो सवाल उठाए जा रहे हैं ना वो केवल वोट की राजनीति के लिए सवाल उठाए जा रहे हैं। एक वर्ग विशेष की वोट हमें किस तरह से मिल सके, इसलिए सवाल उठाए जा रहे हैं। इसलिए इस तरह के आपकी तरफ से बयान आ रहे हैं आपके नेताओं की तरफ से कि वर्ग विशेष के मैंने वोट निवेदन किया है। जी कृष्णमूर्ति हुड्डा साहब, हुड्डा साहब सुन रहे हैं आप? चलिए लगता है संपर्क टूट गया है। लेकिन डॉक्टर संजय शर्मा जी, वोट की राजनीति के आरोप आप भी लगा रहे हैं, वोट की राजनीति के आरोप वो दूसरी जो पार्टी है कांग्रेस वो भी आप पर लगा रही है कि चुनाव नजदीक है, तो इसमें ये ऐसा होता क्यों है फिर इस तरह के मामलों में? क्या वाकई में वोट की राजनीति के लिए सब कुछ हो रहा है? नासिर जी, इतिहास इस बात का गवाह है कि किस तरह से एक भगवा आतंकवाद का एक बाणा इस देश के अंदर बनाया गया, किस तरह से कांग्रेस के कुछ नेताओं ने जो चीजें नहीं थी उन चीजों को गढ़ा। इसलिए हम कहते हैं कि ये सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के आधार पर किया जाता है। मैं ये कह रहा हूं कि एनआईए अगर कोई बात कह रही है, कुछ तथ्यों के आधार पर कह रही है ना, कल को एनआईए को उसको कोर्ट में भी सिद्ध करना है, उसको मीडिया में भी सिद्ध करना है, तो एनआईए ऐसी तो नहीं कुछ बातों को कह रही है। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि इसको धर्म से ना जोड़ा जाए, इसको किसी वर्ग विशेष से ना जोड़ा जाए। जो देश के खिलाफ कोई भी साजिश रची जाती है उसको देशद्रोह माना जाए, देश के खिलाफ युद्ध माना जाए, उसको आतंकवादी समझा जाए। प्रवीण अत्रे साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रवीण अत्रे साहब, खबर आप तक पहुंची गई होगी, पलवल में एक मस्जिद बन रही है और एनआईए का ये कहना है कि उसमें लश्कर ने फंडिंग की है, लश्कर ने डोनेशन दिया है। इसको लेकर आफताब अहमद ने, पूर्व मंत्री, उनका कहना है कि मेवात को बदनाम करने की, माहौल को ख़राब करने की कोशिश है और ये चुनाव नज़दीक आ रहे, इस तरह की बातें हो रही हैं। आपका इस पर क्या कहना है? देखिए नासिर, हरियाणा अभी तक इन सब बातों से अछूता था। इस तरह की कभी कोई घटना हरियाणा में जहाँ तक मुझे याद है कभी नहीं घटी। जी आज ऐसा क्या कारण है कि इस तरह की इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही है? आपने कहा एनआईए की जांच रिपोर्ट के अंदर ऐसा आया है, हालांकि एनआईए की जांच रिपोर्ट अभी तो खैर उसके बारे में मैं किसी तरह की कोई टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा। एनआईए ने कहा है, मैंने भी जांच का नाम नहीं, रिपोर्ट का, कि एनआईए ने कहा है कि फंडिंग लश्कर ने की है। जी लेकिन इस तरह 70 लाख रुपए दिए हैं, क्योंकि हरियाणा के अंदर इस तरह की कभी कोई घटना पहले नहीं आई जानकारी में। और मुझे ऐसा लगता है कि जब इस तरह की किसी घटना के बारे में अगर कोई सरकारी एजेंसी ये पुष्टि करती है तो एक बार को विचारणीय विषय बन जाता है। हालांकि वहाबी कल्चर के अंदर अभी तक आप देख रहे थे कि जेएंडके के अंदर जम्मू कश्मीर पहले से इस तरह की घटनाओं से पीड़ित राज्य रहा है। पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद जो है वो आप जम्मू कश्मीर में लगातार देखते रहे हैं, लेकिन हरियाणा जैसे प्रदेश के अंदर इस तरह की अगर कोई घटना घटती है तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उसके ऊपर बहुत डिटेल के अंदर जांच की बहुत जरूरत है। कहीं ना कहीं इस चीजों को जानना बड़ा जरूरी है कि ये प्रायोजित है, स्पॉन्सर्ड है या क्रिएशन है। ये क्रिएशन जो है इस शब्द के बीच में जाने की बहुत ज्यादा ठीक है सर। डॉक्टर संजय शर्मा जी क्या कहेंगे प्रवीण अत्रे साहब के इस बात पर कि इससे पहले कभी हरियाणा और खासतौर से मेवात और उस पर काफी कुछ कहा प्रवीण अत्रे ने और आफताब अहमद भी कह रहे थे कि इस इलाके का तो कभी इस तरह की चीजों से ताल्लुक नहीं रहा, ये जानबूझकर इस तरह की अब कोशिशें की जा रही हैं? तो ये जानबूझकर ना, मानते कि आतंकवाद के बारे में आप कह सकते हैं कि ऐसा नहीं हुआ तो भविष्य में नहीं होगा या ये तो इस समय ही क्यों हुआ। देखिए आतंकवाद पूरी दुनिया के लिए एक आज हवा बना हुआ है, पूरी दुनिया उससे त्रस्त है। आतंकवाद कहीं भी अपनी जड़ें किसी ढंग से भी फैला सकता है। ये जितने भी आतंकवादी संगठन हैं ये मॉड्यूल्स ढूंढते हैं अपने कहां किस तरह से फिट करें। पंजाब में आपने देखा कि किस तरह से आतंकवादी वो कॉलेजों के अंदर पाए गए, कहां किस तरह से वहां पर घुसपैठ उन्होंने की, तो इसलिए किस ढंग से करेंगे किस तरह से करेंगे तो क्या इसके बारे में कोई कुछ कह संजय शर्मा जी, तो क्या और भी हरियाणा में सभी शहरों में सरकार की कोशिश है कि वहां पर जो मस्जिदें बन रही हैं, मदरसे बन रहे हैं, उनकी जांच कराई जाए कि कहीं और कहीं तो इस तरह की चीजें नहीं है, कहीं और तो कहीं से फंडिंग नहीं आ रही है? नहीं बिल्कुल बिल्कुल इसके बारे में जांच होनी चाहिए। मैं सब मस्जिदों के ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा हूँ, सब मदरसों पे
नहीं लगा रहा हूँ, देशभक्त लोग बहुत हैं जो देशभक्ति के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन देशभक्तों की आड़ में कुछ लोग देश के अंदर आतंकवाद को फैलाने का प्रयास भी करते हैं। तो सरकार तो हर जगह पे, और जो मेवात के लोग ये कह रहे हैं कि आपकी इस मामले में और भी गहराई से जांच हो, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। बिल्कुल इस पर बिल्कुल प्रवीण अत्रे साहब, प्रवीण अत्रे जी चलिए बहुत शुक्रिया डॉक्टर संजय शर्मा जी बात करने के लिए। प्रवीण अत्रे साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, कृष्णमूर्ति उड्डा साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। एनआईए का ये कहना है कि हतीन में पलवल में जो मस्जिद बन रही है उसके लिए 70 लाख रुपए का डोनेशन लश्कर ने दिया है। इमाम समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, पूछताछ की जा रही है, बड़ा खुलासा यहाँ पर किया गया है और इस मामले को लेकर अब बहुत ज़्यादा ये मामला गर्मा रहा है। इस मामले को लेकर तरह तरह की बयानबाजियां सामने आ रही हैं। आफताब अहमद हरियाणा के पूर्व मंत्री, उनका यह कहना है कि ये सिर्फ और सिर्फ इस इलाके को, मेवात को बदनाम करने की कोशिश है। कभी इस तरह की चीजें इस इलाके से नहीं आई, खासतौर से आतंकवाद की अगर बात की जाए कभी इससे जोड़ा नहीं जा सकता मेवात को, और चुनाव नजदीक आ रहे हैं इसलिए इस तरह की कोशिशें, इस तरह की बातें हो रही हैं। प्रवीण अत्रे जो कह रहे थे उन्होंने कहा कि हाँ मेवात और कभी हरियाणा में इस तरह की चीज़ें सुनाई नहीं दी और इसकी बहुत ही गहराई से जांच होनी चाहिए कि ये किसी तरह से प्रायोजित तो नहीं है। रणदीप सुरजेवाला का बयान आया, उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा के साथ अगर किसी तरह का कोई खिलवाड़ करता है तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और ये खबर अगर सही है तो इसकी बहुत गहराई से जाँच होनी चाहिए। उस इलाके के लोग भी ये कह रहे हैं कि इस मामले में गहराई से जाँच हो और भी एजेंसियाँ हैं उनसे भी जाँच कराई जाए और दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए।